हमारी भूमधरी जमीन पर गांव के विपक्षीगण जो है जबरन कब्जा कर के मकान बना रहे हैं। मैंने 100 डायल किया तो उसके बाद 112 आई, वो लोग दोनों पक्षों थाने बुलाए। हम जब थाने पहुंचे अपने कागजात दिखाने तो जबरन जो है चालान भी किया गया। और सिपाही हरिश्चंद्र बिंद द्वारा मेरे चाचा के लड़के ने बताया कि वो पीछे ले जा कर के और बुरी तरह से डंडे ही डंडे इतना मारा कि चिल्लाने लगा। तो उसी का एक चचेरा भाई मौजूद था, जब वो उठना चाहा तो एसआई वीरपाल जो है गए उसको रोकने के, बस करिए अब बस करिए। उसके बाद जो है चालान कर दिया, जबकि वो चिल्लाता रहा कि मेरा मेडिकल करा दीजिए, मेडिकल नहीं कराए। उसके बाद जो है एसडीएम महोदय को उसने आवेदन किया, दिया एप्लीकेशन, आदेश हुआ सीएससी बाघराय के लिए, जहाँ से जो है उसका मेडिकल हुआ और मेडिकल में चोटें साफ दिखाई दी गई। माननीय सीनियर डिवीज़न जज महोदय कुंडा के यहाँ हमने वाद दायर किया कि मेरी भूमि बचे दीवानी, जिसमें स्थगन आदेश पारित हुआ, लेकिन उसकी प्रति भी थाने भेजी गई और विपक्षियों को भी दे दी गई बाई डाक। उसके बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं रुका और रात बिरात चलता ही रहता है। अब बताइए हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? सीओ महोदय को फ़ोन किया, एसपी महोदय को फ़ोन किया, इसके बाद जो है हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जबकि मुझे जो है न्याय अदालत से ही मुझे न्याय की और आप लोगों से न्याय की उम्मीद है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।